अच्छा बाबूजी, हम गायक कलाकार देवालाल यादव और साथियन का आवाज में एक पीर रस कवि रहा आला खंड से प्रस्तुत बा, जौने बिरहा कर शीर्षक होई सोना की शादी। हमके आशा ना पूरा विश्वास बा कि आप लोगन के जरूर पसंद आई। चार लाइन भूमिका के भाव में कह नाम बा, कैसे भैया? तो नयनगढ़ में, नयनगढ़ में जब सोना सयानी हुई, रंगे नये पाल नृप सानक के रंग में, संग सोना के शादी करेगा वही, चौगा भोगा को जीतेगा जो जंग में, पीर पंका कटंका बजा देश में, अरे डर के मारे सब पीड़ा उठाए नहीं, राजन पाल सुंदर स्वयं पर रचे, पर महोबा में पाती पठाए नहीं। नैनागढ़ का राजा नेपाली, जिनकर बिटिया का नाम सोना, जब उनकर बिटिया सोना सयान भई, मन में चिंता बनल जब बिटिया का शादी कई जरूरी बा। राजा नेपाली चारों तरफ डंका पिटवा दिए, चारों तरफ पाती पेठवा दिए कि जो मेरे बेटा जोगा और भोगा को जंग में पराजित करेगा उसी से मेरी बिटिया सोना की शादी होगी। चारों तरफ पाती पेठवा दे हलन राजा नेपाली, लेकिन महोबा में पाती ना पेठोलन। यहाँ एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा बा भैया, कौन कव्वाली बा? कौनो मासुका अपने मासुक से कहत बा, यह कहे दिल चीज क्या है आप मेरी, अरे जान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी, अरे जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, लेकिन बिरहा में कवि जी भाव लिखत हूं कैसे? आने न पाए अरे महबा वाले, अरे मेरी राह में, आने न पाए अरे महबा वाले, अरे मेरी राह में, रुधिर की दरिया बहेगी, अरे रुधिर की दरिया बहेगी, अरे सोना के ब्याह में, क्या बात है? यहां से हमारा कहानी का शुरुआत हो गई। कवि जी चौहरी का लाइन में संकेत करत हूं कैसे? चौगा भोगा विजय सिंह
मेरी पति क्या कहानी, ना जहर मरूंगी याद तो आल्हा की बनूंगी रानी, करमा दुर्गा की पूजा वह कागज कलम उठाई, अपनी सारी विवस्था वह पाती ने दर्शाई, तोता पिया से निकाली फिर गले में बाती बांधी, मचा में रुकना प्यारे चेहरों के तूफान आधी। राजा ने पाली का दिल में प्रतिज्ञा है कि चाहे देश का कोनो कोना में अपने बिटिया सोना का शादी कर दे, लेकिन महोबा में शादी ना करब। जब एवनी बात का पता सोना के चलल बा, बतिया करेजवा में तीर जैसन सालत बा। सोना का दिल में प्रतिज्ञा बा कि हम शादी करब तो महोबा कबीर आल्हा से, ना ही तजहर खा के अपन जान दे दे। कैल बा माई दुर्गा का आसन पे जाके माई दुर्गा का पूजा विनत करत बा, और एक थे पाती लिखल, पाती लिख के अपने जादुई सुगा का गला में बांध के और एक थे बात कहल, समझावत बा। कैसे समझावत बा, यहाँ एक लाइन तर्ज लगल। कोनो लड़का के कोनो लड़की प्यार में धोखा दे लेबा, एक दिन अचानक लड़का और लड़की दोनों आमने सामने हो गई। लड़की समझावत बा कि देखा हम अपन शादी कर ले, तू हूँ अपन शादी कर। लड़का कहलत कि तुम हमें ज्यादा उपदेश और शिक्षा देने की कोशिश मत करो। कहे का कहे, अरे जा 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 धोखा कई विचार में, जिंदगानी काटतानी तोहरा इंतजार में, जिंदगानी काटतानी तोहरा इंतजार में, अरे जा जा धोखा कई प्यार में। लेकिन सोना अपने सुगना के समझावत बा, कैसे समझावे, अरे जा जा अरे जा जा तू गना हमार हो, अलहु दल बाटे महावीर पानीदार हो, अलहु दल बाटे महावीर पानीदार हो, अरे जा जा तू गना हमार हो। कॉलर्स की चल जा महोबा में, आल्हा और उदल नाम का दुई ठे वीर हुआ, ये पाती ले जाके केऊ का हाथ में दे दिया। जब इतनी बात के सुगा समझ गई कैलस का, उड़त उड़त सुगना पाती देहले पहुंचाई, लिख के जवाब उदल देहले पठाई। बहुत अच्छे लेके ले बे हम बरतिया कहिया समाचार हो, लेके
समाचार हो, अरे जा जा सुगना हमार हो। पहुंचल बा सुगा महोबा में, चाय के उदल का हाथ पर पाती थमा देहलस। उदल पाती के पढ़त हुआ, पढ़ले के बाद इधर से उदल भी पाती में ओकर जवाब लिख के भेज देहलन कि जा जाकर सोनवा भौजी से कह दिया कि हमार भैया परात पूरा बैंड बाजा का साथ लेके यहाँ और तोहके दुल्हीन बना के अपने महोबा में लिए है। एकरे बाद उदल अपने मन में विचार करत हूँ, यहाँ गीत बदल गए। क्या बात है, तू लड़की हऊ मतवाली बन जा हमरो घरवाली, तू लड़की हऊ मतवाली बन जा हमरो घरवाली। हाँ मतवाली बन जा हमरो घरवाली, लाली होटवा के चूमे तो कही ना सर जा, ओढ़ा दया पान कुसुमी चुनरिया, आव ना ओढ़ा दया पान कुसुमी चुनरिया, चोरिया के खोली दा पटाम ए रानी हो। लेकिन हर उदल अपने मन में विचार करत हुआ का मलखा उदल गरमाए, सोना का गहना गढ़ाए, मलखा उदल गरमाए, सोना का गहना गढ़ाए, भौज पतिया बैठवले बाउजी पतिया बैठवले परी कई के खिला, तेगावा से तेगावा बा चावल चाही चली के, तेगावा से तेगावा बा चावल चाही चली के, नैनागढ़ में होई है पवान ए भाई हो। अपने में राय विचार बनावत हुआ मलखा और उदल कैलन का, अरे लाला के मौर बाधी बाजल सहनिया, चल ले जवान करे नैना कर लड़िया, सज धज के चले मर्दनवा, कोना जागन पलवनवा, सज धज के चले मर्दनवा, खून रखिया में उतार नया नहावा बला, खून रखिया में उतार नया नहावा बला, तेगावा से तेगावा बा चावल चाहिए चली के, तेगावा से तेगावा बा चावल चाहिए चली के, नैनागढ़ में होई है पवान ए भाई हो। मलखा उदल अपने में विचार बनाई के शादी का तैयारी कर दहलन, आल्हा जब सेहरा सजा के दुल्हा बन के चलल हुआ, पहुंच गयलन नैनागढ़ का बॉर्डर पर। जब बारात पहुंचल बा नैनागढ़ का नजदीक,
तो कवि जी डेरी के भाव में बताओ थून कैसे। अरे सरहद पे बाजा बाजल मारुआ, अरे सरहद पे बाजा बाजल मारुआ, बिंदु लही नावा पर सही है दुल्हे राजा। देखत कनिक आन पान मुसुकान लागे, अरे देखत कनिक आन पान मुसुकान लागे, शान सम्मान कर कृपान चमकाई के, महोबा कबीर रणधीर बिना भीर घूम, लांघ के लकीर तंबू झंडा गड़वाई के, पहुंच गई आल्हा का बरात नैनागढ़ का बॉर्डर पर, जाने जब नेपाली हाली हाली भेजे माली सर, चोगा बलशाली बेटा आप पता लगाई के, चंचल दल बल साथे चोगा अभी चल चल, उदल से पूछे वीर बोला गरमाई के। जब एवनी बात का पता राजा नेपाली के चलल, अपने सबसे बलशाली बेटवा जोगा के बोलावलन और कहलन कि जा जा के पता लगाओ कि बारात कहाँ से आई बा। अपन दल बल के साथे पहुंचलन हाँ जोगा, उदल सामने खड़ा हुआ, जाके जोगा पूछत हुआ, अरे लड़के कौन है तू और कहाँ से आया है तू। उदल कहलन की ढेर ही ठामत, अगर सही तरीके से पूछबा तो सही तरीके से बताई, ना ही तो जौना भाव में बड़ा गोरो भाव पर हम उतर जाई, भागन विपत हो जाई, तो बीक हो जाई। उदल अपने भाव में बतावत हुआ, यहाँ एक लाइन गीत लगल कन्हैया भैया। बाबा जी हो बहुत अच्छे, कौनो लड़की के अपने जवानी के ऊपर बड़ा गुमान बा, उ लोगन से कहत चले का कहे, अरे देख के चढ़ल जवानी तब के सबका जीभ से पानी बचा के, दिल रखिया बाबू छुपा के, दिल रखिया बाबू अपन परिचय बताओ तुम कैसे। ते उदल कहे का पूछे लठावा नगर महोबा गाँव, सुनाए दुलही के भैया, सुनाए भौजी के भैया, कहलन कि हमार घर महोबा में हो, हमार उदल नाम पड़ेला, और जौना भरम में हुआ हम ऊ ना है, बतावे कैसे। राजी से पीता कैदा करमत हाला, हम हाँ उदल जाना हम के सहबाला, हम सहबाला है, अपने पाँव सुनाए दुल्हन के भैया, सुनाए कन्या के भैया, कहलन कि हम दुल्हा ना, दुल्हा का नाव आल्हा है, जे तोहर जीजा बा ओकर आल्हा नाव हो, हम तो सहबाला है, हमार उदल नाव हो। अगर अपने बहिन का विदाई राजी मंदी से कही देबा तब तो बहुत बढ़िया रही, फायदा में रहबा।
ना ही तबारी परी। जब ये तनी बात चोगा सुनलस, ए भैया खून गरम बा, खौले लगल, कहलस का यहाँ गीत बदल गई। लेकिन जोगा गरम हो गई, कहलस का कहे, अरे पतिया सुनत जोगा, अरे खींचत तालवैया राजू, समरिया में ना हो राजू, समरिया में ना तो बढ़ के बोले ला नरिया राजू, समरिया में ना तेरे इतनी हिम्मत कि हमारे दरवाजे पर आकर के इतना ऊंचे आवाज में हमसे बात कर रहा है भाई का। अरे पाई के खबर पहुंचे नैनागढ़ के बीरावा, लड़ाइया हो गंगा जी के तीरावा, नैनागढ़ कबीर भागे खाई खाई मरिया राजू, समरिया मेला हो राजू, समरिया मेला तो भागी गई सकरिया राजू, समरिया मेला जोगा कहलन की तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे दरवाजे पर आकर के इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है, गरम हो जाता है जोगा, निकाल लिया तलवार और लड़ाई छिड़ गई। जब ये खबर पहुंचल नैनागढ़ कि गंगा जी का तीर पर लड़ाई छिड़ गई, सज धज के नैनागढ़ का सेना चलल बा और खचा खच जब तेगा से लड़ाई होखे लगल तो महोबा कबीर तनी टाइट परत हुआ, नैनागढ़ का बीरन के मार के खरिहान मचा दे हलन, जितना बचल खुचल सेना बा चान बागा बचा के भागल किये, रे बाप रे बाप, गजब मारत रणो सब। जब राजा नेपाली के पता चलल कि महोबा का सेना नैनागढ़ का सेना पर भारी पड़त बा, कैलन का विदेशिया का भाव लगल। अरे नए पाली लिखी भेजे, अरे सुंदर बान पतिला हो, अरे राजा हरि नंदन से मंगले मदतिला, आए हरि नंदन लेके अरे साथे पतुरिया हो, अरे मोजरा कराए हो लगा के घात घतीला, चोरी से अकेले आला अरे मोजरा सुन न गईले, अरे जादू मारी पीरावा के ले भागे उत्तपतिला। जब राजा नेपाली लाचार हो गईलन, कौनो अकिल बुद्धि काम ना करत बा, तो सुंदर बनकर राजा हरिनंदन के
एक ठे पत्र लिखलन, उनसे सहायता मंगलन। जब हरिनंदन राजा के खबर चलल कि राजा नेपाली पर बड़ा बड़ मुसीबत आइल बा, कहलन तू चिंता मत कर, हम तोहरा सहयोग में हाजिर बानी। राजा हरिनंदन पांच छह गो पतुरिया लेके आई गईलन। पतुरिया? हाँ, मोजरा करे वाली। अच्छा। आई गईलन, जब राजा नेपाली देखलन तो कहलन रे का, कहलन कि अरे लड़ाई है नु लड़ी हो सब। राजा नेपाली कहलन कि हम मोजरा ना करावे के हो, यहाँ लड़ाई लड़े के बा। कहलन तू तनिको चिंता मत करा, जवन लड़ाई ई लड़ दी हस, तुहरा नैना गढ़ कर सेना ना लड़ी। मोजरा होखे लगल, ले जाय के एक अगर सिवान में मोजरा करावत हूँ तो उले आल्हा के पता चलल कि बगले में मोजरा आइल बा। बड़ा रंगीन मिजाज कहूँ, देखलन कि सब लोग भंगवात बा, तो उले चकमा दे के पहुंच गेलन मोजरा देखे। तो उले अरे कैद होई गई ले जाके, अरे सुंदर पान जलावा में, अरे महोबा कबीर कोई जनालस ना बतिया। तो उले धोखा से जादू मार के उनके कैद कर लेलस राजा हरिनंदन, सुंदर बनकर राजा हरिनंदन। यहर जब ब्याह कर समय भई, शादी का फेरा लेवे का टाइम भई, तो सब लोग खोजे लगल कि भाई दूल्हा गईल कहाँ। सब लोग परेशान बा, हैरान बा। यहाँ एक लाइन गीत लगल भैया, अरे नीक लागे नीक लागे लार तम के चालीदार ओढ़नी, मनवा पागल होके ये बात कहे हो जैसी हम तो हार ओढ़नी, नीक लागे लार तम के चालीदार ओढ़नी। लेकिन सब लोग हैरान बा, जब आल्हा के पता नहीं खे बारात में, तो सब लोग सोचत बा का, अरे सब बराती बिना दूल्हा घबराई गई है, सोचे उदल मन में भैया हमारा कहाँ तो है राई गई ले, सब बराती भी नगला, उदल हैरान हुआ कि आखिर भैया गईलन तो गईलन कहाँ। बड़ा परेशान बा सब बराती पक्ष के लोग। तब सीधे भागुरु भेदावा बतावाले, सौदा करके भेद सौदल माला खा बनावाले, लाए दूनो बिरवा कई के करमात भैया के अपने पाई कई ले, सब बराती बिना दूल्हा घबराई, सब लोग हैरान बा। परेशानी देख के टेढ़ा गुरु तनिका सा ज्योतिषी विद्या का माहिल रहलन, कहलन घबरा लोग मत, उस सुंदरबन जेल में कैद हुआ। जब उदल सुनलन कि सुंदरबन जेल में हुआ, मलखाय और उदल सौदागर का भेष बना के
चकमा दे के अपन आल्हा के लेके आ गई। जब उन्हें पता के जलन राजा ने पाली तब सोच गईलन कि अब स्वयं लड़े के पड़े, कौनो चारा काम ना करत बा। कवि जी पहपट के भाव में लिखत, अरे बजे मारुआ भीड़ जान कर माई दुर्गा माई हो, अरे राज जितावा नयनागर लड़ाई दुर्गा माई हो। अरे मोहबा के लड़वैया अरियो को मार गिराए हो, और उसी समय चोगा भोगाला हमारी ढोल बजवाए हो। लड़ाई छिड़ल मार के महोबा कबीर नैनागढ़ कर सेना के परास्त कर दिया। जब एवनी बात का पता चलल जोगा भोगा के तो वहनी का दल में एक थे अमर ढोल रहल, लियाई के बजवाई दहलन। जितना गिरल सेना बा मूर्छित बा घायल बा उठ के खड़ी हो गई देह तुरंत। तब अरे गिरे वीर उठ गए ले तंगड़ाई दुर्गा माई हो, चले न चारा गए उदल मुरझाई दुर्गा माई हो। जितना सेना गिरल रहलन देह झारत तोरत अपन खड़ा हो गई। जब एवनी नजारा के उदल देखलन तो उनका माथा काम ना करत बा, वहां मुरझाई गईलन गिर पड़लन के उतरे होश में अलन, कौनो चारा काम ना करत बा। कवि जी आल्हा के भाव में संकेत करत बा, अरे रतिया में चले रूप दासी का बना। भौजी सोना से पूछे थे दवा का पतिया, अरे कहां लगी सोना हो उदल को समझा। अरे होई नहीं हार कब सुना मना ला, पहुंचल नूदल अपने भौजाई सोनवा के लगे, सारी बात बतौलन सोना समझावत बा। ये बबुआ उ अमर ढोल है, उ जौने दल में रही वो दल का कबो हार नहीं के हो सकता। कहलन तब तब समझावे, अरे माई के मंदिर वाले यहाँ भोरा में देवार, अरे पूजा के बहाने से बढ़ोल पहुंच जा। अरे कटी कटी गर्दन होगी रे मरदन गए, सेना भागी जाना वा बच्चा। कहली की माई दुर्गा का मंदिर में रही, भोर का बेला में हम आई और ऊ अमर ढोल तो हके दे दे, चंग एकदम साधारण तरीका से जीत जाइबा। लड़ाई छिड़ गई, अब महोबा कबीर में जब अमर ढोल आई तो महोबा कबीर तनी टाइट परत हुआ। अंतिम में प्रमाण निकलल का, अरे चारों भाइयों को उदल बंदी बनवले, राजा नए पाली सोच मन में उपाय बोलो।
चारों भाई जोगा भोगा विजय सिंह पूरन सिंह के उदल अपने कस्टडी में कई देहलन कैद कर लिए। जब राजा नेपाली सुनलन तो सोचत हुआ बुद्धि काम नहीं खे करत, अंतिम में एक ठे निर्णय निकलन कैलन का राजा उदल के मनावले चारों लड़िकन के छोड़वले तलावे मारो दरम्या नवाय के ले दुला जाय के उदल का चरौरी करत हुआ उनका पांव पर पगड़ी पटक देहलन कहलन की सुना बचवा अगर ये चारों के ना छोड़बा मार देबा तो तुहरे भौजाई के ब्याह में लावा के मेराई लावा के मेराई। बड़ा चरौरी कैलन तो उदल कहलन की ठीक बा हम तुहार तो बात मानत हनी लेकिन आइंदा ख्याल रहे कि धोखा ना ना तो अब की बार सुनवाई ना हुई तब अरे चुने हुए कुछ वीर महोबा के आल्हा संगले आल्हा सोना भंवर घूमे तब जोगा धोखा कैले काटल चाहे गारा दनावा अकेले दुल्हा आल्हा का साथ में कुछ मेन मेन सेना में कछून के लोग गईलन मारो में पहुंचलन आल्हा और सोना का भंवर घूमत बा तौले जोगा सोचलन कि पीछे से गर्दन काट दी तौले अरे तेगा से तेगा बच गईले जूझे वीर जवान जय मां दुर्गा कही के आल्हा कैले सिंदूर दान राखे महो बानवा अकेले दुल्हा तौले तो नैना गढ़ कर सेना टूट पड़ल उदल अपने सेना के ले के टूट पड़लन वही मड़वे में लड़ाई शुरू हो गई मार के जैसे धान को पथारी डालल जला वही तरह पसार दहलन लास्ट में राजा नेपाली हाथ जोड़ लेलन कहलन की अब धोखा ना करब। जब विदाई चरण में पहुंचल तब हिल का कवि जी लिखत हुन अरे विदा करा सोना को उदल विजयी ध्वजा उड़ाए अचल सन नेक नगहरु वैसन देख के नेक मनाए सजग में कायम किरत नवा अकेले दुला मामला जब सल्व हो गई अंतिम में विदाई के चरण में पहुंचल लोग तो जैसन पौनी परजनुआ नाव बारी सब रहे उदल जेकर जतना हक बनत रहल नेक देके अपने भौजी सोनवा के लेके महोबा में आ गईलन। हमार कहानी हमें से समाप्त होत बा अंतिम कड़ी में कहना बा तो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मोरबा का स्वर्ग पता चंद्र का कवि बच्चन का विजय पता सरहद पे बाजा बाजल मारुआ देवा रमेश रामा कवि के नायन ताजा सरहद पे बाजा बाजल मारुआ।